हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूम टॉक। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने क्या करा है, अभी जाइए जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में जो घंटी का बटन है उसको तो दबाए दो, जिससे कि मैं जब भी कोई नया टॉयज़ का वीडियो लेकर आऊँगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखने वाले व्यूअर्स बन पाएंगे। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप मेरा एक भी टॉयज़ का वीडियो मिस करें, क्योंकि मेरे सारे टॉयज़ के वीडियो कमाल धमाल झमाल माला माल और काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं। जैसे कि आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया गया हूँ एक यूनिक तरह का टॉयज, और आपको अभी पता नहीं चलेगा जब तक मैं इसको बॉक्स के बाहर नहीं निकालूं, जब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आई होप आपको मजा आ जाएगा। मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ इस बॉक्स में, इस बंद बॉक्स के अंदर काफ़ी कुछ है, मैं आपको इसकी प्राइस भी बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देर के हम जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, आपको बता दें कि इसके अंदर क्या है। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको करा अनबॉक्स। OMG, वाओ, माय गॉड, इसके अंदर मेरे पास कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के वाइल्ड एनिमल है और आज हम इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे। पहले मैं आपको इस बॉक्स की प्राइस बता देता हूँ कि मैंने इस बॉक्स को ऑफलाइन मार्केट में परचेस करा है ओनली एंड ओनली 300 रुपीज़ में। तो 300 रुपये मुझे कमाल का ये बॉक्स मिल गया है। इसके अंदर मुझे काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं हमारे वाइल्ड एनिमल। तो चलिए बिना किसी देर के हम इसको जल्दी से करते हैं अनबॉक्स। सबसे पहले हम इसको यहाँ रख देते हैं, हमारे सारे वाइल्ड एनिमल को जो जो हमारे इसके अंदर है वो बॉक्स को हम रख देते हैं साइड में। तो चलिए बिना किसी देर के हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको हम जमा देते हैं और आपको बता देते हैं कि इनके अंदर क्या क्या है खास, तो वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखिए। तीनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, तो मैं बारी बारी से आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा कि तीनों में क्या है खास और कितनी क्वांटिटी में हमें यहाँ पे एनिमल्स मिलते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखिए। तो चलिए बिना किसी देर के मैं जल्दी से वीडियो को कर देता हूँ स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको सामने अनबॉक्सिंग करता हूँ हमारे वाइल्ड एनिमल। देखिए ये वाला जो है वाइल्ड एनिमल जो है, इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके अंदर देखिए आप मुझे सारे के सारे एनिमल्स यहाँ पे देख रहे हैं। बैक साइड में भी देख लेते हैं इसमें क्या है, कुछ भी ऐसा कुछ दे नहीं रखा। तो इतनी अच्छी क्वालिटी, जल्दी से मैं इनको अनबॉक्स कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको खोल दिया है और यहाँ से मैं बारी बारी से सबको यहाँ से निकाल लूँगा और आपको बताता हूँ कि क्या मिला है मुझे इसके अंदर से और कितने इसकी क्वांटिटी में हमें यहाँ पे वाइल्ड एनिमल मिले हैं। तो चलिए इसको मैं रख देता हूँ साइड में और आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले इनकी क्वालिटी बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे जो मुझे वाइल्ड एनिमल मिले हैं पूरे के पूरे जो है रबर के बने हुए, पूरे फ्लेक्सिबल हैं, कहीं पे भी इसको इधर उधर घुमा सकते हो, पूरे के पूरे फ्लेक्सिबल दे रखे हैं वो काफ़ी अच्छे। इनका जो हल्का सा डल जो है वो कलर इनका इतना अच्छा नहीं है जिस हिसाब से आप सोच रहे हो, लेकिन जो भी है अच्छे माल धमाल ही मचाने वाले। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या मिला है। सबसे पहले जो मेरे हाथ में ये 12 सिंगा हमें मिला है, उसके बाद ये हमें मिला है टाइगर, वाह, नॉट ए टाइगर, लॉयन, वाह। तो ये हमने 12 सिंगा ले लिया, यहाँ पे लॉयन ले लिया, यहाँ पे हमें ये जो है ये राइनोस, तो हमारा ये वाला है, देखिए कहाँ गया, आई थिंक ये देखिए ये हमारा गेंडा राइनोस है, तो ये यहाँ पे रख देते हैं। और ये हिप्पोपोटेमस मुझे दिख रहा है, देखिए पूरा मुंह खोला हुआ है उसका, और देखिए मुंह भी कितना ज़्यादा खोल के रखा है इनने, वाह, देख दिख रहा होगा आपको, अगर आई होप आपको अगर दिखा होगा तो अंदर से पूरा लाल और पूरी अच्छी क्वालिटी का इसको बना रखा है। तो इसको भी मैं रख देता हूँ यहाँ पे साइड में। अब उसके बाद मेरे पास ये जो है हमारा राइनोस, ये भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, कमाल का ही दिख रहा है। इसके आगे देखिए यहाँ पे इसके सिंग भी दे रखा, नॉट ए सिंग, ये इसका दांत दे रखा है यहाँ पे, काफ़ी तिखोना देखिए, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है लुक एंड फील्ड में इसका जो कलर है। इनके कलर जो है वो नॉर्मल है, ज़्यादा खास नहीं, लेकिन जो भी अच्छे हैं। उसके बाद हमें एक मंकी मिला है यहाँ पे, देखिए वो भी हरे मुँह का मंकी, वाह, तो इसको भी यहाँ रख देते हैं। उसके बाद एक और बंदर हमें मिला है, वो जो है लाल मुँह का बंदर है, इसको भी यहाँ रख देते हैं। उसके बाद हमें ये जो मिला है जिराफ, नॉट ए जिराफ, ये हमारा जेब्रा, वाह, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ये भी पूरा हमारा रबर का बना, फिर ये हमारा जिराफ दे रखा है इसके अंदर हमें, इसको भी रख देते हैं। एलिफेंट भी यहाँ पे है, वाह। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, चीता, वाह। उसके बाद लॉयन दे रखा है यहाँ पर, लास्ट और नॉट द लीस्ट हमारे पास है कैमल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी क्वांटिटी आप कितनी ज़्यादा दे रखी है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पर 12 इसकी क्वांटिटी दे रखी है। जो चलिए अब हम हमारी बारी आती है हमारे अगले वाइल्ड एनिमल को अनबॉक्स करने की, जो ये वाले हैं इतने बिग साइज के, आई होप आपको भी मिले होंगे, अगर आपके पास ये है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। चलिए मैं इनको भी कर देता हूँ अनबॉक्स और देखते हैं इनमें से हमें क्या मिलता है। यहाँ से मैं कर रहा हूँ इनको अनबॉक्स और देखते हैं इसमें से हमें क्या मिलता है 100 रुपीज़ का। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले आया हूँ हमारा लायन, वाओ। उसके बाद हमें क्या मिला है इसके अंदर से, 12 सिंगा भी है, जेब्रा भी है और भी बहुत कुछ है। तो जल्दी से इनको कर देते हैं यहाँ पे अनबॉक्स, तो देखते हैं कि हमें बाद में इनमें क्या मिला। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर की जो डिजाइन है, यहाँ पे देखिए एलिफेंट बना हुआ, लायन बना हुआ, जिराफ बना हुआ, सब कुछ पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी बना रखा, और पीछे जो है वर्ल्ड मैप दे रखा है यहाँ पे, कंगारू वगैरह जिराफ वगैरह सबका दे रखा है। तो चलिए इसको हम रख देते हैं साइड में। वो काफ़ी बिग है एज़ कम्पेयर टू हमारे ये जो है काफ़ी स्मॉल, देखिए इसका साइज़ मैं आपको बताता हूँ कितने स्मॉल है ये हमारा, कहाँ गया,
कहाँ गया हमारा लॉयन 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 लॉयन, ये रहा देखिए ये कहाँ पिद्दी सा दिख रहा है, कितना बिग है। वाह, तो जल्दी इनको भी हम देखते हैं। ये जो है पूरे प्लास्टिक के हैं, ये रबर के हैं, तो इसको अपन इस तरीके से घुमा नहीं सकते, नहीं तो ये हाथ में आ जाएगा, ये टूट भी सकते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हमें मिला है इसमें से लॉयन, उसके बाद ये हमें मिली है काव, वाव, उसके बाद हमें जो मिला है जेब्रा, देखिए आप इसको, वाव, इसको भी रख देते हैं। उसके बाद हमें ये मिला है बारह सिंगा या हिरन बोल रहे इसको, इसको भी यहाँ रख देते हैं। उसके बाद ये क्या है, बफेलो, ये मुझे गॉट दिख रही, बकरी दिख रही मुझे, भेड़, इस तरीके का शिप दिख रही है। देखिए इसके कान भी यहाँ पे घूमे हुए, सिंह देखिए, शिप दिख रही है, इसको यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद हमें मिला है कैमल, वाओ, लास्ट नॉट द लिस्ट हमें ये मिला है गेंडा राइनो। ये तो इतना अच्छा क्वालिटी का मतलब दिख रहा है, लेकिन काफी अच्छा, काफी मजबूत, और इसकी जो क्वांटिटी हम दिखा सकते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7, वाओ, तो है ना कमाल की बात। जो स्मॉल छोटी चीज लोगे तो सारी आपको ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी, बिग लोगे तो आपको क्वांटिटी कम मिलेगी। अब हमारा बचता है लास्ट और नॉट द लिस्ट जो हमारा एनिमल है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये भी एनिमल है, न्यू सेट एनिमल का, वाओ, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं अनबॉक्स, इनको रख देते हैं थोड़ा हल्का सा साइड में, इनको कर देते हैं जरा सा पीछे, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं अनबॉक्स, निकाल लेते हैं सारे के सारे हमारे वाइल्ड एनिमल को। यहाँ पे देखिए इसमें से हमें काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट मिले, यहाँ पे हमें ट्रीज वगैरह आर्टिफिशियल इस तरीके के ट्री मिले हैं, इस तरीके का केज बनाने के लिए हमें मिले, और इसके जो यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल है ये भी पूरे रबर के बने हुए, लेकिन इनकी क्वालिटी और इनका कलर जो इससे काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी नेचुरल अच्छा लग रहा है। देखिए इसमें हमें क्या क्या मिला है, एलिफेंट मिला है हमें इसमें, इसमें लॉयन भी मिला है हमें पूरे, देखिए आपको विजल बता देता हूँ मैं, यहाँ पे पूरे फ्लेक्सिबल है, पूरा रबर का बना हुआ, देखिए लॉयन मिला है हमें यहाँ पे, इसके अंदर हमें ये जो मिला है ये क्या है, हॉर्स, आई थिंक हॉर्स भी मिला है यहाँ पे, ये हमें मिला है बंदर, वाओ, काले मुंह का बंदर, वहाँ पे हरे और वहाँ पे लाल मुंह का था, यहाँ पे काले मुंह का बंदर हमें मिल चुका है। उसके बाद ये जो हमारा फिर से गेंटा, वाओ, इसको भी यहाँ रख देते हैं। उसके बाद हमें क्या मिला है यहाँ पे, बिल्ली मोसी, वाओ, देखिए दिख रहा होगा आपको ये, यहाँ पे कैट हमें मिली, उसमें कैट नहीं थी, तो तीनों में, इन तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हमें मिला है ये तू कुत्ता बोल दो इसको, डॉग बोल दो, ये हमें या वो दिख रहा है या तो फिर मुझे ये कुछ और दिख रहा है, अगर आपको पता हो तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बता दो। तो इसको भी हम रख देते हैं, इसके हमें पैर इस तरीके से करना होंगे, ये देखिए आप इसको फ्लेक्सिबल आप कर सकते हो यहाँ से इस तरीके से, देखिए मैंने जैसा यहाँ पे करा है, और अब इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। और उसके बाद हमें ये मिला है जिराफ, जिराफ तो यहाँ पे हमें सुलाना ही होगा जिराफ, ये देखिए। उसके बाद ये जो है हमारा चीता, वाओ, दिख रहा होगा कितना कमाल धमाल वाला दिख रहा है चीता यहाँ पे। और उसके बाद हमें मिला है यहाँ पे भी कैमल मिला है, ये देखिए ये हमारा कैमल है। और लास्ट में हमारे पास ये जो है बैल या यॉक बोल दो इसको, मुझे लग रहा है यॉक ही है, इसके सिंग आगे से देखिए पूरा जो पीछे का शेप है वो भी इस तरीके से। तो अब इनकी क्वांटिटी देख लेते हैं कि हमें कितने मिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वाह 11 है मुझे लगता है, एक कहीं ना कहीं हमसे खो गया है 11, इसमें भी आई थिंक 12 आना चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 11 है, कहाँ गया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहीं ना कहीं होगा। तो चलिए इन सबको अभी देख लेते हैं क्या क्या हमें इन सब में से मिला है। ओ माय गॉड, ये वाला जो है राइनोज, ये हमारा यहाँ का है, और इसका जो हमारा ये वाला देखिए यहाँ आ गया था, देखिए राइनोज जो दे रखा ना हमारा ब्लैक कलर का यहाँ पे दे रखा है, और उसको हम यहाँ पे नॉट राइनोज हिप्पोपोटामस दिख रहा, देखिए पूरा मुंह खुला हुआ इसका, देखिए आपको दिख रहा होगा पूरा मुंह दिखा आपको खुला हुआ इसका, ब्लैक कलर का है, और ये जो है हमारा अलग कलर का दे रखा, दोनों के मुंह खुले हुए, तो ये जो है हमारा इसमें से गिरा है, और ये जो है यहाँ पे रख देते हैं। देखिए हमें यहाँ पे 12 हमारे पूरे वाइल्ड एनिमल हो चुके हैं, और ये देखिए इनमें से कैच वगैरह दे रखी है, तो इसको आप लगा के देखिए, ये हम कैच को इस तरीके से यहाँ से उठा के इस तरीके से जमा सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से एक को ऐसा रख दो, दूसरे को आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रखना होगा, ये देखिए मैंने रख दिया यहाँ पे, तीसरे वाले को आप एक इसको ये गया हमारा ये वाला इसको यहाँ पे इस तरीके से रख दो, और बाकी के जो दो बचे हैं उनको इस तरीके से लगा दो कि ये दोनों के दोनों हमारा देखिए पिंजरा यहाँ पे जो है वो लग चुका है एनिमल्स को रखने के लिए। तो आप यहाँ पे किसी को भी जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया हमारे चीता को, ये अभी इसमें आ नहीं रहा, हम एक काम करते हैं हमारा हॉर्स को यहाँ रख देते हैं, देखिए यहाँ पे रख दिया हमने, हमारे लॉयन को भी रख सकते हैं इस तरीके से, आप सारे के सारे यहाँ पे जमा के इसको फिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको मेरे वाइल्ड एनिमल का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलो, ये चीज़ में लगाना भूल गया, इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलो, आपका अगर मेरे लिए कुछ सजेशन है कि मैं वो वीडियो कैसे इंप्रूव करूँ तो आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वर्क करूँगा। अगर आपको इनको
परचेस करना तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए, मैं तो आपको बताऊंगा आप इनको कहाँ पे चीपेस्ट प्राइस में इनको ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं कर देते हैं खत्म, और मिलते हैं हमारे किसी अगले टॉयज के वीडियो में। जब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।